वेलकम स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर, क्लास 12th, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 28, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी एंड सी शो अ बैलेंस रुपीज 40,000, 30,000 एंड 20,000 ऑन 31 मार्च 2017 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग For the year, it was, however, relevant debt interest on capital 5% per annum, and interest on drawing could not be entered into the book. The interest on drawing was calculated rupees 250, rupees 180, and 100. The firm had earned a profit rupees 60,000. During the year, the partnership withdrew rupees 10,000, 7,500 and 4,500. The share profit in the ratio 3:2:1 passed the necessary adjusting journal entry to rectify the error on 1st April 2017. यहाँ भी आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है और जर्नल एंट्री यदि आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट तो करना ही करना है। देखें आप, the capital account of ABC show balance rupees 40,000, 30,000 and 20,000. At the end of year का amount है, हमने capital लिखा 31st March 2017, 40,000, 30,000 and 30,000. Drawing हम plus करेंगे, drawing हमें question में given है, 10,000, 7,500 and 4,500. Total amount हुआ हमारा 50,000, 37,500 बी का और सी का हुआ 24,500। माइनस प्रॉफिट जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें गिवन है 60,000, रेशियो हमें दिया हुआ है 3:2:1, रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 30,000 ए का, बी का 20,000 एंड सी का 10,000। तो अमाउंट हमारे पास में जो ओपनिंग कैपिटल का बचा 20,000, B का 17,500 एंड C का 14,500। हम जितना भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, ये A, B और C की, इसके ऊपर हमें कितना परसेंट चार्ज करने को कहा है, 5% हमें चार्ज करना है। 20,000 का 5% 1,000, 17,500 का 875 और 14,500 का 725। ड्रॉइंग को हम प्लस करते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम क्या करेंगे, माइनस। ये देखिए आप क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज रुपीज 250, 180 एंड 100। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी डेबिटेड 250, 180 एंड 100। माइनस किया तो नेट अमाउंट हमारे पास बचा 750, नेट अमाउंट बचा 695 और सी का नेट अमाउंट बचा 625। ये जो टोटल अमाउंट होता है, ये टोटल अमाउंट जो होता है, ये होता है हमारा प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया। इसी प्रॉफिट को हमें इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1। तो ए 1035, बी प्रॉफिट 690 और सी प्रॉफिट 345। माइनस हम करेंगे, 750 में से 1035 को माइनस किया माइनस 285, 695 में से 690 को माइनस किया प्लस 5 और 625 में से 345 को माइनस किया 280। क्वेश्चन हमारा यही सही है कि 2+285 और 1-285 हमें बनाना है यहां पर जर्नल एंट्री। अब एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री साइड में हमने आप लोगों को इसलिए यहां पर पेस्ट किया हुआ है, बताया गया है, क्योंकि यहां से हमें अमाउंट लेना है। कुछ स्टूडेंट्स को यह पता नहीं पड़ पाता है कि अमाउंट कहां से आया। ए का कैपिटल माइनस में आंसर है 285, बी कैपिटल प्लस 5 यहाँ के हमने 5 लिखा और सी कैपिटल प्लस 280 यहाँ लिख दिया हमने 280। क्वेश्चन नंबर 32, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 2:1, दे एडमिट राहुल फॉर 1/4 शेयर विथ ए गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट रुपीज 20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट रुपीज 1,50,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मिनिमम गारंटी का हमारा क्वेश्चन है और मिनिमम गारंटी जो यहाँ दी हुई है वो 20,000 की दी हुई है। अगर प्रॉफिट होता है तो फर्म में ए और बी ले लेंगे। इन द केसेस लॉस होता है
तो मिनिमम गारंटी हमने 20,000 की दी है, इस 20,000 को पूरा करना ए और बी की लाइबिलिटीज बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड एट 31st December 2017 बाय नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन है हमें 1,50,000, डेबिट साइड में कुछ नहीं दिया है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इधर भी 150 ही आना चाहिए, लेकिन यहां पर ए बी और सी का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स हमने बताया ए टू बी रेशियो है इसका 3:2, सी का शेयर है 1/10। अब मिनिमम गारंटी हमने उसको दी थी 50,000 की, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो रहा है 1,50,000, उसमें से हम सी का शेयर निकालेंगे 1,50,000 इंटू 1/10, तो सी के हिस्से में गया कितना 15,000, जबकि रिक्वायरमेंट कितने की थी 20,000 की। तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे, रिक्वायरमेंट 20,000 की, मिला 15,000, तो 5,000 की डेफिशिएंसी हो गई, और ये जो डेफिशिएंसी होगी इसको पूरा कौन करेगा, क्योंकि हमने मिनिमम गारंटी दी है और मिनिमम गारंटी को पूरा ओल्ड पार्टनर्स करेंगे, गिवन टू सी, ए गिवन टू सी 5,000 × 3/10, तो ए अपने हिस्से में से देगा 3,000, गिवन टू सी, सी को देगा, बी देगा 5,000 × 2/10, तो अमाउंट कितना हुआ आपका 2,000। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना था 1,50,000, उसमें से हमने सी को कितना दिया 15,000, तो हमारे पास में बचा 1,35,000। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 1,35,000, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए और बी, तो ए का शेयर हुआ 1,35,000 रेशियो 3/5, तो उसके हिस्से में आया 81,000, बी का शेयर है 1,35,000 रेशियो 2/5, तो आया 54,000, और सी का हम पहले ही निकाल चुके हैं 15,000। तो वर्किंग नोट के बाद आप देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस प्रकार से इसको एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बीडी 1,50,000 है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर आपको कोई अमाउंट दिया ही नहीं था, ए की कैपिटल जो हमने फाइंड करी थी 81,000, लेकिन ए अपने प्रॉफिट में से 3,000 जो है मिनिमम गारंटी के रूप में दे रहा है, तो ए का हिस्सा आया था 81,000, 3,000 देने के बाद एक्चुअल अमाउंट ए के पास में बच जाएगा 78,000। बी की कैपिटल जो हमने फाइंड की थी 54,000, लेकिन बी को भी सी को देना है, तो गिवन टू सी, अपने प्रॉफिट में से वो 2,000 देगा, तो बी का प्रॉफिट हुआ 52,000। अब सी मिनिमम गारंटी थी हमारी 20,000 की, जबकि उसे मिला था 15,000, तो जो 3,000 और 2,000 उसने किससे रिसीव किया, ए और बी से, फ्रॉम ए से उसने 3,000 लिया, बी से उसने 2,000 लिया, तो यहां देखिए आप टोटल अमाउंट मिनिमम गारंटी का जो था 20,000 वो सी को रिसीव हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।